रविवार को कस्बा कोसी कला के घंटाघर चौराहे के पास नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज के बाहर श्रम विभाग के द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश भवन और अन्य श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं को लेकर लगाया गया, जिसमें प्रभात कुमार सहायक श्रम आयुक्त मथुरा, श्याम सुंदर श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मुनेश कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक और हेमंत अग्रवाल श्रमजन सुविधा केंद्र ताराचंद शर्मा एडवोकेट मौजूद रहे, जिन्होंने शिविर में पंजीकरण कराने आने वाले श्रमिकों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उनका पंजीकरण किया। इस दौरान सैकड़ों लाभार्थियों ने अपना श्रम पंजीकरण कराया। श्रम विभाग के द्वारा लगाए गए शिविर में सरकार की 7 योजनाओं के बारे में श्रमिकों को बताया गया। इस मौके पर श्रम विभाग के अधिकारियों ने श्रमिकों को श्रम पंजीयन से होने वाले लाभों के बारे में जानकारी दी। वहीं श्रम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि श्रम पंजीयन कराने से आने वाले समय में सरकार के माध्यम से कई लाभ और मिलने की संभावना है, जिसके तहत श्रमिकों को सभी लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त प्रभात कुमार ने जानकारी दी। ये जो कैंप जो लगाया जा रहा है, क्या इसका मतलब उद्देश्य है? क्यों ऐसा है कि जो निर्माण श्रमिक होते हैं, जो किसी बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं, किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्कर होते हैं, उनका श्रम विभाग में पंजीकरण होता है। पंजीकरण के बाद वो जो हमारे यहाँ विभिन्न तरह की योजनाएं ये पात्रता अनुसार उनको लाभ दिया जाता है। तो वर्तमान में शासन का और श्रम विभाग का उद्देश्य है कि जगह जगह कैंप लगा के और ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों के पंजीकरण किए जाए, श्रमिकों के नवीनीकरण किए जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे लेबर इकट्ठे होते हैं, तो आज का दिन भी था, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसका सदुपयोग किया जाए और श्रमिकों के ज्यादा से ज्यादा पंजीयन किए जाए। आप देख रहे हो बहुत भीड़ है, और अगर आवश्यकता होगी तो हम बाद में इस कैंप को कंटिन्यू भी करेंगे, और कोशिश ये होगी कि कोई भी श्रमिक हमारा टूटने ना पाए। हो सकता है आज सारे लोग न करा पाए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, वो अपने आधार कार्ड को लेके नहीं आए, अपने पासपोर्ट को लेके नहीं आए। इसमें ऐसा भी कोई निश्चित किया गया है क्या कि इतने लोगों का ही रजिस्ट्रेशन किया जाना है? भैया देखेंगे इतने लोगों की बात तो नहीं आई है, वो तो जो भी निर्माण श्रमिक के रूप में पात्रता रखते हैं वो पंजीकरण करा सकते हैं। और न सिर्फ ये पंजीकरण हमारे कैंप में हो रहा है, बल्कि किसी भी जन सेवा केंद्र से ये निःशुल्क हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से आपको से ये भी अपील करूंगा कि हम लोगों की एक सीमा होगी, कितने कैंप लगा लेंगे वो अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्रों में जाएं और वहां भी पंजीकरण कराएं। अपने जनपद में जितने भी जनसेवा केंद्र हैं 1200-1300, जिसमें जितने 500-600 एक्टिव हैं, वहां पंजीयन कराएं और ऑनलाइन पंजीयन निःशुल्क करा सकते हैं। ये निःशुल्क व्यवस्था 30 नवम्बर तक के लिए, 30 नवम्बर के बाद संभवतः जो पहले शुल्क दिया जाता था 40 रुपये वो फिर से शुरू कर दिया जाए, यानी 30 नवंबर तक हमारे मथुरा के जितने श्रमिक भाई हैं उसका लाभ उठाएं और वो पंजीयन या नवीनीकरण करा लें। 30 नवंबर तक किसी भी प्रकार का श्रम नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है इसलिए व्यवस्था प्रशासन में भी आगे बढ़ाई जाए, लेकिन इसके लिए हमको शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा उस हिसाब से हम।